अगले पुरस्कार के लिए मैं निमंत्रित करने जा रहा हूँ डॉक्टर सैयद अहमद। डॉक्टर सैयद जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप यहाँ आइए। डॉक्टर सैयद इज फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई इज नोन एज अ मोस्ट वेल नोन पॉलिटिकल सिटी और चेन्नई से इन्हें हम दे रहे भारतीय समाज रत्न पुरस्कार परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर इन सोशल कैटेगरी। अगेन वन मोर यंग एंड डायनामिक एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, हम कितने अच्छे दिखते हैं, हम कितने अच्छे दिखते हैं, हम कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम कितना अच्छा किरदार निभाते हैं और हम अपने चरित्र से कैसे दूसरों को प्रेरित करते हैं। पैसे से प्रेरित होना एक अलग बात है, किंतु चरित्रवान होकर अपने कैरेक्टर से संपन्न होकर किसी को प्रेरणा देना एक अतुलनीय काम है। और ऐसे प्रतिभावान यंग एंड डायनामिक सोशल कैटेगरी में लोगों को देखते हुए मैं बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ। वी ऑल्सो वर्क फॉर सो मेनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सो जैसे वो कहता है कि अपने जाति का जब कोई दिख जाता है तो बड़ा आनंद महसूस होता है। जैसे एक ऑथर को कोई ऑथर मिलता है, जब एक सोशल वर्कर को कोई सोशल वर्कर मिलता है तो बड़ा आनंद मिलता है। सो कंग्रेचुलेशन टू सैयद जी। इनके कार्य के बारे में मैं आपको, डॉक्टर सैयद इज अ फिल्म डायरेक्टर। वाओ, प्रोड्यूस मेनी मूवीज। ही हैज बीन वर्किंग अर्लियर एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर अंडर टॉप मूवी डायरेक्टर्स इन द तमिल मूवीज। वाओ, दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। सिंस 1966 इज मेकिंग सुपर हिट फीचर फिल्म्स एंड एडवर्टाइजिंग फिल्म्स फॉर मोर देन 24 ईयर्स। सो शायद बहुत ही कम उम्र में आपने आपके करियर को शुरुआत की है। दोस्तों, कई सारे लोग होते हैं जो अपने माता पिता की उंगली को पकड़ के आधा जर्नी उधर ही खत्म करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जब आप एक प्रतिभावान व्यक्ति अपने आप को समझते हो तो तब आप सबसे पहला आपने आपको एक सवाल पूछिए, ये गुणवत्ता को हासिल करने के लिए आपके खुद के क्या प्रयत्नों की पराकाष्ठा आपने की है। जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक सर्कस के शेर को जब जंगल में छोड़ा गया तो भूखे कुत्तों ने उसे काट के खाया। तो जब उसे सवाल पूछा गया कि इतना बड़ा शेर होने के बावजूद भी उसे भूखे कुत्तों ने क्यों काटा, क्योंकि सर्कस में उसे तो रिंग मास्टर की छड़ी पे नाचने की आदत थी, वो अपनी शिकार करने की कला भूल गया था। यह जितने सारे पेरेंट्स हैं, पालक, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप खुद अपनी जिंदगी की ऊंचाई में कुछ भी हासिल करो, किंतु अपनी संतान को, अपने बच्चों को उतनी ही चीज़ें छोड़ जाओ जितने उनके भविष्य में, उनके शिक्षा के लिए जरूरी है। बाकी उन्हें भी मौका दो कि वो जिंदगी में अपने जैसे नए रास्ते चुन के अपना मकाम खुद पाए। अगर माता पिता ही सब कुछ छोड़ जाएंगे तो आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करोगे। हर बच्चे का हक होता है। मैं आज भी सभी पालकों से पूछता हूँ, कोई भी पालक, आप कितने भी प्रतिभावंत हो या कितने भी बड़े सक्सेसफुल हो, कोई भी पिता या कोई भी माता या कोई भी पालक को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मेरा बच्चा मेरे जैसा होना चाहिए। है कोई पालक ऐसा जिनको लगता है कि आपके नहीं? हर एक पिता को, मैं भी एक पिता हूं, मेरे मन में भी हमेशा आता है कि मेरा बेटा मेरे से बेटर हो। क्योंकि जब तक आप से बढ़िया वर्जन की निर्मिति नहीं करोगे तब तक शायद आपके जीवन की सफलता अधूरी रह जाएगी। सो आई होप दिस आर द गुड थॉट्स एंड यू टेक इट इन अ राइट वे विच विल हेल्प यू इन योर लाइफ। एंड दिस आर माई ओन थॉट्स। आई कॉन्ट बाउंड टू एनी वन सेटिंग इन दिस रूम टू बी विथ मी। इफ यू आर एग्रीड, माई लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड होप सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर लाइफ। तो डॉक्टर सैयद साहब का फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा योगदान है, काफ़ी सारी मूवीज में, तमिल में, काफ़ी सारे बड़े बड़े सुपर हिट्स के साथ किया। सर, मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि हमारे रजनीकांत जी महाराष्ट्र से बिलोंग करते, मिस्टर शिवाजी गायकवाड़, और तमिल राज्य का मैं सहदिल से आभार मानता हूँ कि ऐसे हमारे महाराष्ट्र के कलाकार को आपने सर आंखों पे रख के जो भी इज्जत नवाजी है उसके लिए हम दोनों स्टेट्स गर्व महसूस करते हैं। उसके बाद ही हैज अ विजन टू एंश्योर एवरी चाइल्ड गेट्स वन मील अ डे। वाओ, दैट्स अ वंडरफुल थॉट एंड हैज इनफ एवेन्यू एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। बच्चों को एक टाइम का खाना तो भी सही समय पे मिलना चाहिए और सही शिक्षा के साथ उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ऐसे पवित्र विचार डॉक्टर सैयद साहब के हैं। ऑल्सो ही रन एनजीओ
Amma Charitable Trust. So Amma is a very famous name, but believe me, Amma is called as a mother, not that Amma, she's a famous politician. So he's inspired with his own Amma, right? So Amma Charitable Trust ke madhyam se ye sara kaam karte hai. So sir, hats off to you. Mujhe bahut khushi hoti hai ki aise vicharon ke nav yuvak aaj hamare saath hai, jo apne jeevan mein acche vicharon ke saath acha kaam kar bhi rahe. So ladies and gentlemen, please help me Dr. Sayed for this award. Dr. Sayed saab ko hum de rahe Bharatiya Samaj Ratna Puraskar, performance of the year in social category. Sayed saab bahut sare bachcho ko free education dene ka bhi prayas rakhte hain. Chennai mein 5 se 14 saal ke kai bachcho ko unhone shiksha di hai aur shiksha ka aizaz aapne diya hai. आपका स्वागत करते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये हर एक अवार्ड के पीछे ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये विचार आपको काफी प्रेरणा दे सकते हैं।